जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक के भतीजे का अपहरण होने की घटना सामने आई है। अपहरण हुए युवक का नाम प्रदीप मोतीराम रामानी है। आज सुबह प्रदीप के ही मोबाइल से अपहरणकर्ता ने प्रदीप के घर पर फोन करके दोपहर 12 बजे के पूर्व 30 लाख रुपए देने की मांग की। वह मांग पूरी ना होने पर प्रदीप को जान से मारने की और उसकी लाश घर पहुंचाने की धमकी भी दी। तुरंत परिजनों ने जरीपटका पुलिस स्टेशन के PI को फोन करके उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने समय न गंवाते हुए एक्शन लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस विभाग ने कम समय में सराहनीय काम किया। 4 अपहरणकर्ताओं में से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप को ढूंढकर उसे सही सलामत घर लाया गया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। आज सवेरे हमें इसी की मोबाइल से यानी जो अपहरण हुआ हमारा भतीजा प्रदीप मोतीरामानी उसके मोबाइल से फ़ोन आया। किडनैपर ने हमसे डिमांड रखी कि 30 लाख रुपए हमें दिए जाए 12 बजे के पहले और मैं 12 बजे के पहले आपको फ़ोन करूंगा। हमने हमारे घर के लेडीज़ से ही उनसे बात कराई ताकि हमारा जेंट्स का भी उन्हें डर लग सकता, इसलिए हमने लेडीज़ से ही बात कराई और लेडीज़ से बड़े इत्मीनान से उन्होंने बात की और कहा, हमने ये भी कहा उन्हें लेडीज़ ने कि हमें प्रदीप से बात कराइए ताकि हमें भी तो पता पड़े कि वो प्रदीप आपके पास है कि नहीं है। मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और साफ कहा कि अगर आपको बात करनी है प्रदीप से तो आपको मैं लाश भेज देता हूँ, इसकी आप कर लेना उससे बात। तो पूरा घर, हम पूरे परिवार, मित्रगण सब टेंशन में आ गए। आखिर हम दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण 12 बजे तक का इंतज़ार करना ही, और वो खुद भी जो आरोपी था उसने खुद भी हमें कहा कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है। ते रात्रीपासून मिसिंग आहे आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्सला एक कॉल आला होता रॅन्सनसाठी आणि 30 लाख रुपयाची डिमांड होती, नाहीतर ते त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार अशा प्रकारची कॉल आला होता। आणि ते इन्फॉर्मेशन पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर लगेच सर्व यंत्रणा कामावर लागलेली आहे आणि आरोपी निष्पन्न झालेली आहे। आरोपीला ताब्यात घेण्याची प्रयत्न सुरू आहे आणि ऑलरेडी आरोपीचे मागचे 2-3 महिने तासापासून आमचे पोलीस पथक लागला होता। आता जे विक्टीम आहे ते सुखरूप परत आलेली आहे आणि आता पुढील तपास सुरू आहे। यामध्ये किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम आणि एक्सटॉर्शन विथ द थ्रेट फॉर मर्डर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहे।